जनपद संभल बहजोई में एम्बुलेंस कर्मचारी संघ के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर बहजोई कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। इनका कहना है कि एम्बुलेंस के संचालन में लगे पायलट ईएमटी को मिनिमम वेज न देकर कंपनी मात्र 6500 रुपये मासिक वेतन दे रही है। मिनिमम वेज दिलाया जाए और समय समय पर घोषित महंगाई भत्ता का भुगतान कराया जाए। मिनिमम वेज मिल जाने से कर्मचारियों को लगभग 13000 रुपये मासिक वेतन मिलेगा और 12-12 घंटे लिए जा रहे कार्य 8 घंटे के लिए लिए जाएं। कंपनी के कार्यकाल में कार्यरत लगभग 2000 कर्मचारियों को भी मिनिमम वेज नहीं दिया जा रहा, उन्हें भी मिनिमम वेज दिया जाए। प्रदेश में कंपनी द्वारा वर्ष 2012 से संचालन किया जा रहा है। बोनस की देयता देते हुए भी कभी बोनस का भुगतान नहीं दिया गया है। बोनस का भुगतान कराया जाए। धरना समाप्ति के पश्चात लगभग 9000 कर्मचारियों की अवैधानिक ढंग से सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं, उनको सेवा में बहाल कराया जाए। इस दौरान भारतीय मजदूर संघ संभल से जिला मंत्री विजेंद्र पाल, जिला अध्यक्ष नीलम सिंह, विकास यादव, योगेंद्र कुमार, निर्वेश कुमार, महेंद्र, लाला राम, वीरेश, पुष्पेंद्र आदि मौजूद रहे। क्या नाम आपका? मेरा नाम नीलम सिंह है और मैं एम्बुलेंस कर्मचारी संघ का जिला अध्यक्ष हूँ। आपने यहाँ पर ज्ञापन दिया, किस संबंध में दिया है? ज्ञापन ये दिया है कि जी हमारे साथी हैं, सभी एम्बुलेंस कार्यकर्ता हैं, कर्मचारी हैं सॉरी, तो इन लोगों को कंपनी ने बिना किसी कारण के नोटिस देकर निकाल दिया गया है जी। जबकि ऐसा कुछ प्रोटोकॉल में नहीं है, ना बताया गया कि तत्काल कॉल आती है आप ड्यूटी मत करना, शाम से हटा देते हैं ये लोग। तो हमारा शासन से और पैसा ये कहना है कि इसकी जाँच कराई जाए, किस बेस पर निकाला गया इन लोगों के लिए। हमने कोरोना काल में बहुत अच्छा काम किया था, दोनों कोरोना काल में अच्छा काम किया था सभी लोगों ने, आज बाहर कर दिया गया है। तो सरकार से और शासन से हमारी ये गुहार है कि इस पर जाँच करा कर हमारी वापसी कराई जाए।